बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फिश फ्राई। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी होती है। नॉर्मली जब हम फिश को फ्राई करते हैं तो अंदर से इतना टेस्ट नहीं आता है, लेकिन आज हम इसमें कुछ ऐसे मसाले डालेंगे कि आप इसका टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए क्रिस्पी करारी फिश फ्राई बनाते हैं। क्रिस्पी फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो रॉ मछली ली हूँ, इसे रोहू मछली भी कहते हैं। मार्केट में से इस तरह से कटिंग करके फिश को मंगवाया है। अब मैं इसे अच्छे से धो लूंगी। फिश में लगाने के लिए कुछ मसाले लिए हमने, तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें, अब कुछ सूखे मसाले लिए हमने, तो 1 चम्मच भर के हमने धनिया और जीरे का पाउडर लिया है, ये दोनों मिक्स पाउडर है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और आधा चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, नमक स्वाद के मुताबिक लेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए मछली को, इसीलिए 1 चम्मच भर के हमने बेसन यानी चने का आटा लिया है। और कुरकुरी फिश बनाने के लिए 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, तो आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। और अगर कॉर्नफ्लोर भी ना हो तो आप इसमें सोजी यानी रवा भी 1 चम्मच लेकर ऐड कर सकते हो। ये सब चीजें हम मछली में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस 1 ही चम्मच काफी है, क्योंकि हम पकौड़े नहीं बना रहे। बस मसाले मछली में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसीलिए मैंने 1 चम्मच बेसन डाला है। अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। मसाले मछली में अच्छी तरह से चिपक जाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ही पानी इसमें ऐड करें। थोड़ा सा और पानी डाल रही हूं मैं इसमें। मसाला अच्छी तरह से फिश पे लग चुका है, अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन हम इसे डायरेक्ट ही फ्राई करेंगे। फिश को फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा तेल डाला है और तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप चाहे तो इसे कम तेल में भी तवे के ऊपर फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर हम ज्यादा तेल में फ्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिश हमारी एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगी। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ से फिश अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। इस तरह से जब हम बाजारों में फिश फ्राई खाते हैं तो ज्यादा तेल में उसे फ्राई करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी बनती है। अब मैं इसे धीरे धीरे कर पलट लेती हूँ। अच्छी तरह से ये गोल्डन फ्राई हो जाए वहां तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है फिश तो। अब मैं फिश को थोड़ा सा इस तरह से दबा दूंगी हल्का हल्का, ताकि फिश में जो भी पानी है वो पानी निकल जाए और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी अंदर तक पके। बहुत ज्यादा जोर देके नहीं दबाना है, वरना फिश टूट सकती है। तो यहाँ पर फिश हमारी फ्राई हो गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी भी बनी है ये। इसे निकाल लेती हूँ मैं और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त हमारी फिश फ्राई हुई है। इसी तरह से सारी फिश को हम फ्राई कर लेंगे।
ये भी फ्राई हो गए, इसे भी निकाल लेती हूँ मैं। अब गर्मा गर्म इस फिश को हम सर्व कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर रेसिपी बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो। मेरे चैनल पर आप नए हो और इसी तरह की और भी नई नई रेसिपी सीखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन होता है ना, यानी घंटी, उसे भी दबा देना ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की खबर आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।